हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ ही गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हो जानी चाहिए। जो पीक टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, तो अब तक आपकी प्रिपरेशन कम्प्लीट हो चुकी होनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाई पे बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए, और आपको ये जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर आपको लग रहा है कि मैम की बातों में दम नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना है खुद पे। एक तो आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स के, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो ये हैं कि एग्ज़ाम में 5 दिन रहे हैं, 7 दिन रहे हैं और हम 2 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी करते आए हैं, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जेके हिंदी इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे। तो ये स्वाभाविक है, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा। जो जेन्युइन एस्पायरेंट हैं, जिन्होंने सीरियसनेस के साथ तैयारी की है, जिन्होंने डेडिकेशन के साथ तैयारी की है इस एग्ज़ाम की, जिन्होंने अपना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस एग्ज़ाम को दिया है, उनके साथ ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार, अब मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ याद ही नहीं है। माइंड की एक कंडीशन है इस टाइम पे, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, जब आपके सामने पेपर होगा, तो आपको एकदम से वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके टेंशन दूर करने के लिए, आप में जोश, जुनून सब कुछ भरने के लिए। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे हम बात करने वाले हैं। 3 दिन रह गए हैं, इनफैक्ट आज से तो 2 ही दिन रहे हैं, आज का दिन तो चला ही गया है, सिर्फ 2 ही दिन रहे हैं, 10 और 11 का। अब आपको क्या ऐसा करना है जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए, ठीक है, बेटर नहीं, बेस्ट हो। क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 दिन में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है करंट जीके के अलावा। करंट जीके आप नया पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नया मत पढ़िए। अगला जो काम आपको करना है वो ये है कि हिंदी और इंग्लिश के भले ही क्वेश्चंस कम निकाल लो, अब इस टाइम की बात कर रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण के आपको रूल्स एक एक बार देखने चाहिए, भले ही आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आए या ना आए। एक एक बार सारे रूल्स को अपनी आंखों में से निकाल दो, लास्ट के 2 या 3 दिन की बात हो रही है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एक एक बार रूल्स को निकाल देंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उससे। जीके की बात करती हूँ, तो जीके में जिन नोट्स से आपने पढ़ाई की है, जिन बुक्स से आपने पढ़ाई की है, जिसको आपने हाईलाइट किया है, जिस जिस चीज़ को, उनको, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि जीके को अगर आप सारा नहीं निकाल सकते हो, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश की व्याकरण आप आराम से एक दिन में कर सकते हो, मोटा मोटा उसको रिवाइज कर सकते हो, बट जीके रिवाइज नहीं हो सकता। तो जीके में जो टॉपिक आपको हार्ड लगता हो, या फिर आपको ये लगे कि इस टॉपिक को मैंने कम टाइम दिया था, या फिर आपको ये लगे कि इस टॉपिक में मेरे क्वेश्चंस कम सही हो रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी आपने हाईलाइट किया है, जो भी आपने अंडरलाइन की है, उनको रिवाइज करते जाना है। ऐसा नहीं है कि सारे दिन बैठ के क्वेश्चन निकालते रहो, बिल्कुल नहीं निकालना, सिर्फ रिवीजन करना है मोटा मोटा। प्लस क्वेश्चंस कब निकालने हैं, 12 से 2 का टाइम है आपका, एग्जामिनेशन टाइम है 12 से 2, 12 से 2 बजे आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। मॉडल पेपर नहीं है तो आप जीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे तक लगातार बिना उठे, एक साथ 2 घंटे की सिटिंग देनी है 12 से 2 बजे के बीच में, ताकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाए, आपको नींद नहीं आए उस टाइम पे, आपका माइंड कॉन्शियस हो जाए उस टाइम, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका माइंड कॉन्शियस हो जाएगा कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है, वॉक करना है।
तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपको 12 से 2 बजे बैठना है, सिटिंग देनी है, पानी का बोतल रख लो, शांति में अपने रूम को अंदर से लॉक कर लो और 12 से 2 बजे तक मॉडल पेपर दो, टेस्ट सीरीज दो। मॉडल पेपर्स नहीं है तो आप तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो तो सबको सबके पास मिलेंगे। अगर आप अब नया कुछ खरीदोगे, नया कुछ पढ़ोगे, तो आपने जो कुछ पीछे पढ़ा है वो और ये नया वाला मिक्सअप हो जाएगा और आपके सारी चीज़ें मैस हो जाएंगी एग्जामिनेशन हॉल में और एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। एक चीज़ और आपको जो करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहिए, क्योंकि 3 दिन बाद आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहे उस पर हमें आज से ही काम करना है। देखो, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वे सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है? तो खुद पे इम्प्लीमेंट की हुई चीज़ें ही मैं आपको बता रही हूँ। 3 दिन रहे हैं तो आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम रखना है, शांत रखना है। खुद से बात करो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने जो मैटर पढ़ा है वो बहुत अच्छा था, मैंने जिस भी टीचर से पढ़ा है, ऑफलाइन ऑनलाइन या कहीं से भी मैंने पढ़ा है या किसी भी किताब से पढ़ा है, वो बेस्ट थी या वो बेस्ट थे, उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। खुद को मोटिवेट करो, खुद को पॉजिटिविटी दो, ठीक है? कम बोलो, शांत रहो, घर पर रहो, इधर उधर मत भागो, क्योंकि दिमाग को हमें क्या देना है, 3 दिन बाद दिमाग काम करेगा, तो उसको आज से ही हमें क्या करना है, ईंधन देना है माइंड को। एक चीज़ और, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ आपने पढ़ा था वो सारा सिलेबस सबकॉन्शियस माइंड में रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपकी और जो भी चीज़ें चल रही होती हैं माइंड में, घर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और चीज़ों को लेके, कई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब्स में हैं या कई बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एक बार साइड में रख दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पढ़ाई और हाईकोर्ट LDC के अलावा कुछ भी मत रखो, 3 दिन के लिए सारी चीज़ें साइड में रख लो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको टिक करे कि हाँ ये सही है और आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। जिस इंसान से बात करके या जिस इंसान की कंपनी में आपको पॉजिटिविटी मिले या फिर जिस काम को करने के बाद आपको पॉजिटिविटी मिले, वो काम करना है एटलीस्ट आधे घंटे तक। अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो रोज़ सुबह या रोज़ शाम को 5-7 मिनट आप प्रे भी कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ें वो हैं जो सच में पॉजिटिविटी देंगी आपको। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई युद्ध में नहीं जा रहे हैं हम, एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम, एक चीज़ और, आपको जैसे 12 की आपका एग्ज़ाम है, 12 का आपका एग्ज़ाम है 12 का एग्ज़ाम है 12 से 2 बजे तक, कोशिश करें कि 11 तारीख को ही जहां पर आपका एग्ज़ाम है वहां पहुंच जाएं और रात को प्रॉपर नींद लें। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं पहुंच सकते या वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप अर्ली मॉर्निंग चले जाइए और टाइम लेकर चलना है, ठीक है? एग्जामिनेशन सेंटर पर लगभग 1.5 घंटे पहले पहुँच जाना। क्या क्या लेकर जाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी एग्जामिनेशन हॉल में, वो सारी मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको आज से ही प्रॉपर नींद लेनी है, कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है। नींद लो, अच्छे से नींद लो, किसी भी चीज़ की टेंशन मत रखो, सबकॉन्शियस माइंड को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो। सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट LDC का सिलेबस होना चाहिए, नथिंग एल्स, सिर्फ सिलेबस होना चाहिए। प्रॉपर नींद लोगे, 3 दिन बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, बहुत अच्छी आप परफॉर्मेंस दे पाओगे। डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को भी लेकर। हो सकता है इन 3 दिनों में आपको ये भी सुनने को मिले कि पेपर आउट होगा, पेपर ये होगा वो होगा, हर पेपर बिक रहा है, सारे एग्जाम्स के पेपर आउट हो रहे हैं, बहुत सारी अफवाहें रूमर्स आपको सुनने को मिलेंगी। इन पे ध्यान नहीं देना है, खुद पे, खुद के टीचर्स पे, खुद की बुक्स पे आपको विश्वास रखना है। खुद पर विश्वास रखो कि मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। ट्रस्ट रखिए खुद पे कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है और आप बहुत अच्छी परफॉर्म देने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो सच में आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो वर्क करेंगी, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और मैं तो दिल से यही चाहती हूँ कि
जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इतना टाइम दिया है इस भर्ती को लेके, सारे स्टूडेंट्स का पेपर जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, सीरियसनेस की तैयारी की है और डेडिकेशन के साथ तैयारी की है, उनका पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए और एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे पास आने चाहिए कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके। तो आई विश यू गुड लक, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए और दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव करिए।